वंदे मातरम शिक्षक साथियों, जैसा कि आपको पता है, ग्रामीण ओलंपिक खेल के लिए टीम गठन का कार्य कर रहे थे, उसमें काफ़ी समस्या आ रही है। अब जैसे आज जो साइट है वो सही चल रही है, और मेरा ये आग्रह रहेगा कि आप अगर सुबह बहुत जल्दी या देर रात तक अगर आप कोशिश करेंगे तो साइट है वो सही चलेगी, और धीरे धीरे जैसे लोड कम हो जाएगा साइट सही चलना शुरू हो जाएगी। अब जैसे मैं आपको बता रहा था कि यहाँ जैसे जो स्टार का ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ डैशबोर्ड है जिसमें ये पूरे राजस्थान की इसमें लिस्ट आ जाएगी, कितने खो खो के प्लेयर, कितने कबड्डी के प्लेयर ने अप्लाई किया है। उसके बाद में गेम अरेंजमेंट रिक्वायरमेंट है, यहाँ आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ जो फीडिंग करनी है वो आपको कंफर्म करके करनी है। अब इसमें क्या क्या फीडिंग करनी है, एक तो जैसे एबिलिटी अवेलेबिलिटी ऑफ रिक्वायर्ड फॉर गेम्स है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्ले ग्राउंड है, इसमें आपको प्ले ग्राउंड अवेलेबल है तो येस या नो करना है। उसके बाद में लोकेशन ऑफ प्ले ग्राउंड, डिटेल्स ऑफ प्ले ग्राउंड, उसके बाद में रेफरी की जो अवेलेबल है तो उस रेफरी का नाम और मोबाइल नंबर, और सेकंड रेफरी के नाम मोबाइल नंबर, उसके बाद स्कोरर जो है दो सेलेक्ट करना है आपको, एक नाम और मोबाइल नंबर, और असिस्टेंट जो है उनके भी नाम और मोबाइल नंबर आपको यहाँ सेलेक्ट करने हैं। इस तरीके से ये करके पूरा आपको सेव करना है, और यहाँ आपके दो तीन ऑप्शन हैं प्रिंट के या डाउनलोड के, एक्सेल रिपोर्ट में डाउनलोड कर सकते हैं या सीधे इसको प्रिंट कर सकते हैं, या फुल स्क्रीन देखना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। तो ये तो हो गया जो गेम अरेंजमेंट जो रिक्वायरमेंट है वो। अब उसके बाद में जैसे यहाँ सेकंड जो उसके ऑप्शन में जाएंगे तो यहाँ रिपोर्ट्स का जो ऑप्शन आ रहा है इसमें रजिस्ट्रेशन रिपोर्ट आ जाएगी। अब रजिस्ट्रेशन रिपोर्ट पर आप क्लिक करेंगे तो मैं आपको बता दूं कि जैसे ये रजिस्ट्रेशन रिपोर्ट में आपके डिस्ट्रिक्ट का नाम, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत का नाम आ जाएगा, विलेज का नाम, इसमें से जो भी आप विलेज सेलेक्ट करेंगे वो आ जाएगा, या ऑल अगर सेलेक्ट करना चाहें तो ऑल आ जाएगा। उसमें जेंडर भी अगर ऑल करेंगे तो पूरी लिस्ट आ जाएगी, और मेल या फीमेल वाइज करेंगे या ट्रांसजेंडर तो कैटेगरी वाइज लिस्ट आ जाएगी। अब इसमें जैसे थोड़ा सा ये अभी भी समय ले रहा है तो इसको ये लिस्ट जब तक निकलती है तब तक मैं इसको थोड़ा सा पॉज कर, अब जैसे ये लिस्ट है इसमें आ गई है, अब लिस्ट क्या आई है ये आपको देखना है। तो जैसे यहाँ लिस्ट है, ये नंबर ऑफ ये पंचायत समिति ऑल, ग्राम पंचायत ऑल, ग्राम ऑल और जेंडर ऑल। अब इसमें जैसे किस गांव से आपके जो पंचायत जो ग्राम पंचायत है उसके किस गांव से कितने खिलाड़ियों ने अप्लाई किया, तो जैसे कबड्डी के लिए एक गांव है जिसमें से 4 किया, दूसरे गांव में से 28, यानी कुल 32 स्टूडेंट ने जो आवेदन किया है। इसी के तरह से शूटिंग वॉलीबॉल में 0 आवेदन है, उसके अलावा क्रिकेट टेनिस बॉल में 8, 2 और 22 यानी 24 आवेदन है, खो खो में 21 आवेदन है। इस तरह से ये पूरा आपको ये डिटेल मिल जाएगी। इसको भी आप एक्सेल में आप प्रिंट करना चाहें तो इस तरह से ये एक्सेल में ऐसे जैसे मैं आपको यहाँ जैसे क्लिक करके बता रहा हूँ, जैसे यहाँ एक्सेल में आप इसमें यस करेंगे तो इस तरीके से एक्सेल में आपके यहाँ ये प्रिंट शो हो जाएगी। अब आगे जो इसका दूसरा जो है कि ये हो गया, इसके बाद में सबसे महत्वपूर्ण बात जैसे ये रिपोर्ट में आपके ये आ गई जेंडर वाइज प्लेयर जो रजिस्ट्रेशन रिपोर्ट है वो यहाँ आ जाएगी। प्लेयर डिटेल्स अगर आप देखना चाहें तो इस पर प्लेयर डिटेल्स पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ जैसे 50 पेज प्रति रिकॉर्ड शो हो रहे हैं, इसको आप ज़्यादा करना चाहें तो यहाँ 100 प्रति पेज है, 200 प्रति पेज है, ये भी आप कर सकते हैं। जैसे 200 करेंगे तो ज़्यादातर जो स्टूडेंट है वो या जो भी खिलाड़ी है उनके सबके नाम आ जाएंगे। जैसे यहाँ ये पूरी लिस्ट आ गई, अब जैसे यहाँ हमारे पंचायत में 99 खिलाड़ी है तो 99 की पूरी लिस्ट इसमें आ गई। अब इसको ये मेल फीमेल वाइज ये खेल का नाम है, इसमें दो कैटेगरी आ रही है, सिलेक्टेड और नॉन सिलेक्टेड। सिलेक्टेड का मतलब हो गया कि जिसका टीम गठन हो चुका है उसका नाम सिलेक्टेड में आ जाएगा, और जिसका अभी तक नहीं हुआ है उसका नॉट सिलेक्टेड में आ जाएगा। अब आपको यहाँ टीम क्रिएट करने के लिए जैसे यहाँ स्टार पर क्लिक करके यहाँ क्रिएट टीम पे जाएंगे तो आपको जो नॉन सिलेक्टेड है उनमें से ही आपको सिलेक्ट करना है। अब जैसे यहाँ ये आपका डिस्ट्रिक्ट आ गया, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत आ गया, विलेज, यहाँ आपको सिलेक्ट करना है। अब जिस विलेज की आप टीम बनाना चाहें उसमें जेंडर आपको सिलेक्ट करना है, मेल या फीमेल। उसके बाद में यहाँ गेम सेलेक्ट करना है कि आप जैसे मेल है तो मेल में पहले आपको ये संख्या देख लेनी है कि खिलाड़ी पर्याप्त मात्रा में किस किस खेल में है, वो उस रिपोर्ट में मिल जाएंगे। अब जैसे इसमें खेल में जेंडर में खो खो की अगर एक टीम बनाना चाहे इसकी सेलेक्ट, जैसे कबड्डी, वॉलीबॉल, टेनिस बॉल, हॉकी और वॉलीबॉल इनकी टीमें बनेगी तो अब इनमें से जैसे टेनिस बॉल की टीम बनानी चाहिए तो मैं ये टेनिस बॉल क्रिकेट इसकी टीम बनाने के लिए यहाँ इस पर क्लिक करूँगा, और यहाँ नीचे जो ऑप्शन दिया हुआ है लाल कलर में ये जैसे ये पूरी लिस्ट आ जाएगी। अब यहाँ से 10 स्टूडेंट इसमें शो हो रहे हैं तो आपको कितने स्टूडेंट इसमें लेने हैं वो आप इसमें से सिलेक्ट करना है। तो जैसे ही आप इनके एक बार आप लिस्ट में पहले से तैयार कर लें, उसके बाद में यहाँ जैसे सिलेक्ट पे क्लिक करेंगे
तो आपको ये स्टूडेंट मिल जाएंगे और इसको आपको सेलेक्ट पे क्लिक करना है। मैं ये इनको एक बार सेलेक्ट करके देख फिर आपको बताता हूँ। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था, यहाँ से आपको ये क्रम संख्या आ जाएगी, प्लेयर का नाम आ जाएगा, आधार नंबर आ जाएगा, विलेज का नाम आ जाएगा, जेंडर मेल फीमेल आ जाएगा, और टेनिस बॉल क्रिकेट जो खेल का नाम है वो आ जाएगा। अब जैसे यहाँ ये 10 जो स्टूडेंट की लिस्ट है ऑटोमेटिक आ रही है, तो 10 स्टूडेंट को मैं यहाँ सेलेक्ट करके यहाँ क्रिएट टीम पे आपको यहाँ क्लिक करूँगा। अब जैसे यहाँ क्लिक करते हैं क्रिएट टीम पे, तो ये रिकॉर्ड सेव सक्सेसफुली और ये ओके का मैसेज आ रहा है। इसका मतलब ये टीम क्रिएट हो गई है। इसमें 10 स्टूडेंट है जो टेनिस बॉल क्रिकेट के हैं। अब इसमें जैसे इनके नाम आ जाएगा, आधार नंबर आ जाएगा, डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी, मेल फीमेल आ जाएगा और ये मोबाइल नंबर आ जाएंगे। इसको एक बार क्लोज कर देंगे। अब जैसे दूसरे गांव की कोई टीम बनाना चाहें, जैसे यहाँ मैं पंचायत का जो दूसरा गांव है उसकी टीम अगर क्रिएट करना चाहूँ, तो यहाँ एक बार आपको यहाँ मेल फीमेल सेलेक्ट करके इसको वापस, अब जैसे यहाँ खेल है इसको टेनिस बॉल की जो टीम है उसको क्रिएट करना चाहूँ, तो यहाँ उस गांव के लोग कम है तो ये नहीं आ पाएंगे। अब जैसे ये यहाँ आप देखेंगे तो लिस्ट आ गई है खिलाड़ियों की, कि जैसे प्लेयर काउंट है ये 12 है, 12, 14 और 14। अब इसमें से दूसरा जो एक कोई भी गेम है उसकी अगर मैं टीम क्रिएट करने की कहूँ, तो जैसे यहाँ क्रिएट टीम पे जाएंगे और यहाँ जैसे हमारी एक और टीम बनानी है हॉकी की गर्ल्स की, तो यहाँ जैसे विलेज सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद में यहाँ जैसे फीमेल गर्ल्स की बनानी है और यहाँ जैसे हॉकी है तो हॉकी को यहाँ सेलेक्ट करूँगा। तो यहाँ पूरी लिस्ट आ जाएगी और लिस्ट में 14 नाम जो हॉकी में आ रहे हैं तो इनको यहाँ से सेलेक्ट करना है। इसको भी मैं एक बार सेलेक्ट करके फिर आपको बताता हूँ कैसे करना है। तो जैसे यहाँ मैं आपको बता रहा था, यहाँ जैसे आपको सेलेक्ट करना है कि इन 14 का जो नाम आ रहा है इनमें से सभी से संपर्क करने के बाद में ये पता लगा कि दो जो गर्ल्स है वो इसमें भाग लेना नहीं चाहती है, तो इन दो को नाम को सेलेक्ट नहीं करना है क्योंकि इन्होंने मना कर दिया, वो यहाँ खेल में भाग लेने के लिए उपस्थित नहीं है। तो बाकी के जो भी 12 जो प्लेयर्स हैं उनको यहाँ से सेलेक्ट कर लिया और यहाँ जैसे क्रिएट टीम पे क्लिक करेंगे तो यहाँ इस तरीके से ये टीम क्रिएट हो जाएगी और ये रिकॉर्ड सेव सक्सेसफुली आ जाएगा। इस तरीके से ये टीम क्रिएट हो गई। अब इसको क्लोज करने के बाद में अब इसमें और भी जो टीम आपके अगर बन रही है तो उसको आप क्रिएट करना है। इसके बाद में यहाँ जो रिपोर्ट्स है रिपोर्ट्स में जाकर के आपको देखना है कि जेंडर वाइज प्लेयर रजिस्ट्रेशन रिपोर्ट आ जाएगी और यहाँ प्लेयर डिटेल्स आ जाएगी, तो प्लेयर डिटेल्स में तो पूरी डिटेल आएगी। जैसे यहाँ ये आगे आप इसमें जैसे मैं कह रहा था कि अगर जो जिसका यहाँ देखेंगे आप जिसका नाम अभी तो किसी भी टीम नहीं आएगा उसके आगे नाम के आगे नॉट सिलेक्टेड आएगा और जिनका नाम आ गया उनका आगे सिलेक्टेड आएगा। तो अब जैसे एक गांव जो छोटा सा गांव उसकी टीम नहीं बन पा रही है तो यहाँ उनके आगे नॉट सिलेक्टेड आ रहा है, बाकी का सिलेक्टेड आ जाएगा। अभी एक दो टीम और बनेगी तो मैं वो भी टीमें बना दूंगा, और लेकिन आपको बताने के लिए मैंने ये पूरा वीडियो बनाया है कि किस तरीके से आपको यहाँ टीम क्रिएट करना है। उसके बाद में यहाँ से आपको रिपोर्ट्स जो है वो आप जैसे भी रिपोर्ट्स डाउनलोड करना चाहें, यहाँ रिपोर्ट्स आप रजिस्ट्रेशन रिपोर्ट डाउनलोड कर सकते हैं, जेंडर वाइज प्लेयर रजिस्ट्रेशन या प्लेयर डिटेल्स है और टीम लिस्ट है। आप जैसे टीम लिस्ट आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे तो आपको प्रत्येक टीम की जो लिस्ट है वो आपको मिल जाएगी। जैसे यहाँ कौन कौन सी टीम क्रिएट हो गई, कि मेल कबड्डी की हो गई, फीमेल खो खो की हो गई 12 खिलाड़ी 12 खिलाड़ी, टेनिस मेल क्रिकेट की हो गई 14 खिलाड़ी, टेनिस मेल क्रिकेट की हो गई 14 खिलाड़ी और हॉकी की फीमेल की हो गई 14 खिलाड़ी। आप जैसे इसमें आप जो भी क्लिक करेंगे इस प्लेयर काउंट पे, तो यहाँ से ये पूरी लिस्ट है आपके ये डाउनलोड हो जाएगी। यहाँ से आप इसको प्रिंट निकाल सकते हैं, यहाँ प्रिंट का ऑप्शन है, यहाँ से प्रिंट निकाल सकते हैं और इसमें आपके स्टूडेंट का नाम आ जाएगा, आधार नंबर आ जाएंगे, डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी, जेंडर मेल फीमेल आ जाएगा और कैटेगरी अगर है मेंशन तो आ जाएगी, या मोबाइल नंबर आ जाएंगे। और जो भी इसके खिलाड़ी है उनको ये प्रिंट निकाल करके आप दे सकते हैं कि आपको आपस में वो संपर्क कर लेंगे और जिस तारीख को ये खेल आयोजित करने हैं उस तारीख को वो तैयार रहेंगे। तो इस तरीके से किसी भी खेल की, जैसे यहाँ 14 खिलाड़ी है तो इन 14 की यहाँ लिस्ट है वो लाल कलर में जो संख्या दी उस पर क्लिक करते ही ये पूरी लिस्ट तैयार हो जाएगी और लिस्ट को आप प्रिंट कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये आपको पूरी लिस्ट है वो तैयार करनी है। तो आशा करता हूँ ये जो जानकारी आपके लिए उपयोगी रहेगी और आपको टीम क्रिएट करने में सुविधा रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और एक सुझाव और मैं दूंगा कि ये काम आप स्कूल आवर्स में या दिन के समय में कम करें या नहीं करें तो ठीक रहे, क्योंकि साइट बहुत बिजी चल रही है। कल पूरे दिन मैंने कोशिश की लेकिन नहीं हो पाया। अभी जैसे सुबह के समय में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो साइट आराम से चल रही है, स्मूथली चल रही है। अब थोड़ा हो सकता है कि लोड कम पड़ गया हो, तो ज़्यादातर टीमें गठित हो गई है तो साइट से ही चलेगी। तो
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।